हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूपाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू रूपालीज किचन। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्याज की कचौड़ी की रेसिपी। इसके पहले मैंने आलू की कचौड़ी की रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करी है मेरे चैनल पे, आप चाहते हो उसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम शेयर कर रहे हैं प्याज की कचौड़ी की रेसिपी, और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही बढ़िया ये कचौड़ियाँ बनके तैयार होती हैं। मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ की कचौड़ियाँ बनाई थी, देखिए अंदर से कितनी भरी भरी फुली फुली ये कचौड़ियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो भी मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूँगी। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब जो है मैदा लिया था, अब मैदे में डाला है थोड़ा सा नमक। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 4 चम्मच के करीब डालडा, मतलब जो वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल फैट होता है वो यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इसकी जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने से होता ये है कि हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं और बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। गारंटी है कि इससे आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ गुनगुना पानी इसको आटे को मारने के लिए। तो गुनगुना पानी से ये होता है कि जो फैट होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है आटे में, और इसका आटा जो हमें सेमी सॉफ्ट बन के लगा के तैयार करना है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। ये देखिए हमारा आटा बन के तैयार हो गया। मैं इसे ढक के रख देती हूँ 10 से 20 मिनट के लिए, इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पे हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब ऑयल, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब सौंफ डाली है और आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी डाली है। अब यहाँ पे अदरक और लहसुन को मैंने कूट के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे ताकि इनका थोड़ा सा जो कच्चापन होगा वो दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे बारीक 2 हरी मिर्चियों को मैंने बारीक कट करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे, इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब प्याज की कचौड़ियाँ, तो प्याज तो चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज को है उनको बारीक कट करके तैयार कर लिया था। तो आप इसकी जगह स्लाइस भी कर सकते हो, बिल्कुल पतला पतला स्लाइस कर लीजिए तो जल्दी पक जाएंगे। तो यहाँ पे अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर और आधा चम्मच के करीब गर्म मसाला, और यहाँ पर ये मैं डाल रही हूँ कचौड़ी मसाला। ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है, तो मेरे यहाँ तो मिल जाता है तो मैंने इसलिए डाल दिया। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। बाकी इसमें डालिए हल्दी, लाल मिर्च, हरा धनिया और नमक, इन सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनाई थी मैंने ये, क्योंकि बच्चों को भी खानी थी घर में, तो मैंने अपने हिसाब से मसाले बनाए। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप इसमें अपने मसाले की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे उसको प्याज को मैंने पका लिया है, 5 मिनट में पक गए, हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पे हमारा कचौड़ी का जो मिक्सचर है वो बनके तैयार है, इसे अब रेस्ट करने के लिए रख देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे, क्योंकि कचौड़ी के अंदर भरना है तो ठंडा तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोटे साइज़ की कचौड़ियाँ, क्योंकि छोटे साइज़ की कचौड़ियाँ अच्छी लगती हैं खाने में और बहुत सारी भी बन जाती हैं क्वांटिटी में, देखने में तो ऐसा लगता है कि अरे कितनी सारी कचौड़ियाँ बनाई। तो यहाँ पे मैंने जो पूरी के साइज़ का जो एक गोला लिया था आटे का, उसको मैंने बेल लिया है, उसको किनारे से मैंने पतला बेला और बीच में थोड़ा सा मोटा रखा हुआ है। तो आप फिलिंग को इसमें भर देंगे और जिस तरीके से मोदक बनाते हैं या मोमोज बनाते हैं उसी तरीके का शेप कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट होता है उसको मैं निकाल लूँगी अलग से। आप चाहो तो उसी को वहीं पे फोल्ड भी कर सकते हैं। अब हाथों से दबा दबा के हमें कचौड़ियों को थोड़ा सा फ्लैट करना है, तो मैं यहाँ पे बेलन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, कि अगर बेलन का यूज़ करेंगे तो कचौड़ियाँ जो हैं वो फट जाएंगी, और फटी हुई कचौड़ियाँ तो फिर पता ही आपको क्या होगा। ये देखिए मैंने फिर भी काफ़ी एक में छेद रह गया था, तो मैं उसको सबसे लास्ट में तलूँगी क्योंकि हो सकता है कि वो फट जाए। तो यहाँ पे हमारा तेल हल्का सा गर्म हुआ था, और हल्के गर्म तेल में ही हमें कचौड़ियों को जो है वो डाल देना है। तो धीरे धीरे वो जैसे जैसे तेल गर्म होगा वैसे वैसे कचौड़ियाँ हमारी पकेंगी और ऊपर की तरफ आने लगेंगी और फूल जाएंगी अपने आप। तो हमें कचौड़ियों को ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस इसमें डाल देंगे। देखिए वो थोड़ी देर बाद में वो अपने आप फूल के ऊपर आ जाएंगी। जब वो फ्लोट होने लगेंगी, ऊपर से अच्छे तैरने लगेंगी, फूल जाएंगी अपने आप ही, तब हम इन्हें पलटेंगे। बस यही इनका ट्रिक है इनको पकाने का। कम आँच पे इनको तलिए, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन कचौड़ियाँ बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होती हैं और बढ़िया से फूल जाती हैं, कुछ नहीं करना पड़ता इसमें। तो बस कचौड़ी के बनाने की यही 2 ट्रिक्स हैं, कि कचौड़ी का आटा सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। समोसे में टाइट जो है आटा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोल्डन ब्राउन कलर की जो कचौड़ियाँ हैं वो बन के तैयार हो गई, छोटे छोटे साइज़ की, और बढ़िया सबको 3-3 मिल जाती हैं खाने में, बहुत ही डिलीशियस लगती हैं। देखिए कितने बढ़िया कलर आया है इनमें। तो ये हमारी कचौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं, मैंने ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से सेक लिया है इनको, और अब इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में सारी कचौड़ियों को। तो बहुत ही डिलीशियस लगती हैं ये कचौड़ियाँ, और ये बहुत आसानी से बन भी जाती हैं, बस तलने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसके तलने का एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को हमें फॉलो करना होता है। तो ये मेरी सारी कचौड़ियाँ बन गई हैं, और भी मैं निकाल लूँगी उसके बाद में।
तो अब बस प्लेटिंग कर लेते हैं कचौड़ियों की। तो यहाँ पे मैंने प्लेट कर ली है अपनी सारी कचौड़ियाँ, देखिए ढेर सारी बन गई ना, इतने कम आटे में देखने में ऐसा लगता है कितनी सारी बनाई है, और खाने में 2 बाइट में ही खत्म हो जाती है बस। इतनी टेस्टी ये बनती है और इतना फटाफट से ये खत्म भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कर ली है प्लेटिंग, अब साथ में इनकी चटनियाँ सर्व कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे एक हरी चटनी है और एक जो समोसे वाली चटनी है वो मैंने रखी है, और ये जो हरी मिर्ची होती है इसको तल के मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे मेरी कचौड़ी जो है बनके तैयार हो गया, अब हम लोग इसे इंजॉय करेंगे। आप भी देख लीजिए कितनी टेस्टी और बहुत ही सिंपल से जो ट्रिक्स हैं इसको बनाने के, फुलाने के कचौड़ी को, वो मैंने आपके साथ में शेयर कर ही दी है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी, और पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की डिलीशियस रेसिपी मैं आप लोग के साथ में शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलेगा मुझे, बहुत हिम्मत मिलेगी मुझे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कचौड़ियाँ कितनी क्रिस्पी बनी है। तो मैं आपको एक बार एक कचौड़ी तोड़ के बता रही हूँ, इस कचौड़ी को तोड़ेंगे अंदर से, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और बहुत ही क्रंची है, क्रिस्पी क्रंची कचौड़ी बन के तैयार है। तो डिलीशियस तो इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।